गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन नंबर 4, फन टाइम। लेसन का नाम क्या है? फन टाइम। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। तस्वीरों को देखिए और कहानी को क्या करना है? पूरा करना है। तस्वीरों को आपको देखकर स्टोरी को क्या करना है? कंप्लीट करना है। इज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में जो वर्ड दे गए आपको इसका उपयोग करके से क्या करना है? स्टोरी को कंप्लीट करना है। बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके स्टोरी को कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है? एथ्रस्टिक क्रो, यहाँ क्या भरा जाएगा इसमें से आपको सर्च करना है। एथ्रस्टिक क्रो वाज सर्चिंग फॉर वाटर। प्यासा कौवा पानी खोज रहा था। क्या कर रहा था? प्यासा कौवा जो पानी खोज रहा था। यहाँ पर लिखा है कि एथ्रस्टिक क्रो वाज सर्चिंग फॉर वाटर। नेक्स्ट हिस्सा एक पॉट ऑफ वाटर, वह एक उसने पानी का एक घड़ा देखा, उसने पानी का एक घड़ा देखा। नंबर थर्ड द वाटर लेवल वाज लॉ, क्या बताएगा? नंबर थर्ड में वाटर लेवल वाज लॉ, पानी का स्तर कम था। पानी का स्तर क्या था? कम था। पानी जो है घड़े में बहुत बॉटम में था, कम था, थोड़ा था। ही पुट सम स्टोन्स इन वाटर। ही पुट सम स्टोन्स इन वाटर, उन्होंने पानी में कुछ पत्थर डाले। क्या क्या पत्थर का? तो अगल बगल में देखिए छोटा छोटा स्टोन से उसे उठाकर अपनी चोट से क्या किया, इसे घड़े में डाला। ही पुट सम स्टोन्स इन वाटर, उसने पानी में कुछ पत्थर डाले। द वाटर लेवल केम अप, क्या यहाँ लिखा है? नंबर फोर में द वाटर लेवल केम अप, जल का स्तर ऊपर आ गया। जल का स्तर क्या हो गया? ऊपर आ गया। एथ्रस्टिक क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लेव, एक प्यासे कौवा ने क्या किया? प्यासे कौवे ने पानी पिया, उड़ गया। प्यासे कौवे ने क्या किया? पानी पिया, उड़ गया। इस प्रकार से स्टोरी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इन सारे हेल्प बर्ड्स की मदद से, ठीक है? आपको स्टोरी को देख करके इसे क्या करना है? कंप्लीट कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम, क्या करना है इन्हें? इनकी वाक्य को अनसुना करना, जो वाक्य दिया गया इसे अनसुना करके, ठीक है? इन्हें फिर क्या करना है? फिर से लिखना है, राइट देम, इन्हें दोबारा लिखना है। इसे लिखा हुआ दिस द एलिफेंट, क्या होगा यहाँ के? इसको सजा कर लिखना है, क्या करना है? इसे सजा कर लिखना है। इसे यहाँ क्या होगा? द काउ इज, क्या होगा? द काउ इज ब्लैक। इसी प्रकार आपको यहाँ लिखना है अल्ले लप्स, इसमें आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ सेंटेंस, पिक्चर को देख करके आपको क्या करना है? एक सेंटेंस लिखना है। पिक्चर को देख कर क्या करना है? आपको एक वाक्य बनाना है। कर सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद। डायरी वर्क में सॉल्व इन बुक।